आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनाथ सिंह करेंगे सलाहकार समिति की बैठक, सांसदों के सवालों से होगा सामना। यूपी विधान परिषद से आज 10 सदस्य होंगे रिटायर, कांग्रेस के एकमात्र सदस्य का कार्यकाल खत्म। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी, बकरीद और कांवड़ यात्रा से पहले बुलाई बड़ी बैठक। रसोई गैस में फिर लगी आग, कंपनी ने 50 रुपए बढ़ाए दाम। एच वेस्टर्न टेस्ट में भारत की हार के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंग संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महान शिक्षाविद की जयंती है और उन्हें पूरा देश स्मरण करता है, साथ ही आजादी के महान सपूत को नमन। मित्रों, आज महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पावन जयंती का दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वरिष्ठ समाजसेवी भी थे, देश की आजादी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सिंगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में जनसभा के लिए बन रहे पंडाल का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने से पहले 1821 करोड़ की लागत से बन रही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से खिलाड़िया घाट, नमो घाट फेज 1 को 45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। वहीं दूसरा दशाश्वमेध भवन 32 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। इसके अलावा एलटी कॉलेज स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा मेगा किचन का लोकार्पण भी करेंगे। फिलहाल प्रशासन इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आगामी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सिंगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में जनसभा के लिए बन रहे पंडाल का अंतिम चरण है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पंडाल है जो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लगभग 20,000 कार्यकर्ता को यहीं से संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले पूर्व 1821 करोड़ की लागत से बने योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, जिसके मुख्य रूप से खिड़किया घाट, नमो घाट फेस 1 जो
45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। दूसरा दशा समेत भवन जो 32 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। इसके अलावा एलटी कॉलेज स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मेगा किचन का भी उद्घाटन करेंगे। प्राइम टीवी के लिए वन महोत्सव के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 करोड़ पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच में भी नेता, सांसद, विधायक और अधिकारियों ने हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए। गोरखपुर में वन महोत्सव के अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रवि किशन द्वारा शहीद अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। अलीगढ़ के ससनी थाना क्षेत्र के विधायक संजीव राजा गौशाला के उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में 250 से ज्यादा गौवंशी मौजूद रहे और गौवंश के रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था की गई। चिकित्सालय से लेकर उनके चारे तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जा रही है। हर प्रकार के गायों को, बैलों को, दुधारू गायों को रखने की जो उचित व्यवस्था है उसके लिए समस्त गौशाला संचालक, चाहे वो बहन कृष्णा गुप्ता हो, चाहे भाई लक्ष्मण जी हो, या अन्य बंधु जो इस गौशाला से जुड़े हैं, उन सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक समय हमने वो भी देखा था जब यहाँ गाय बेसहारा पली रहती थी और आज आप सब देख रहे हैं कि नगला मसानी स्थित गौशाला की गाय पंखा के नीचे आराम से विचरण कर रही है, आराम से भोजन कर रही है। जिस समय मैं इस गौशाला से जुड़ी थी, वास्तव में इस गौशाला की बहुत दयनीय स्थिति थी, आंखों में आंसू आते थे कि किस तरह से इस गौशाला का अच्छा निर्माण हो, अच्छा संवर्धन हो, हमारी गौ माता बचे। कहते हैं सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करो उसमें भगवान जी भी अपना हाथ बढ़ाते हैं और उस भक्त को अपने श्री चरणों में लेकर उनकी सद्बुद्धि बनाते हैं। वही सद्बुद्धि आज गौशाला के हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब की बनी, हमारी बनी, आज ये गौशाला है। अमेठी जिले में ब्लॉक गंगौली में चल रहा कंपोजिट विद्यालय अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से आवारा पशुओं ने विद्यालय को अपना घर बना लिया, लेकिन उनकी देखरेख के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठा जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक SDM प्रतीत तिवारी द्वारा गोद लिया है। अब देखना ये होगा कि SDM साहिबा के गोद लेने के बाद इस विद्यालय का कायाकल्प होता है या नहीं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन के बाद अब NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया है और अलीगढ़ में NSUI कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए योजना को वापस लेने की धमकी भी दी। अलीगढ़ NSUI द्वारा जो कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के पैर काटने का जो काम किया है, जो अग्निपथ योजना जो उन्होंने लगाई है, उस पर आज हमने वापस लेने की मांग करी, जो कि युवाओं को एकदम झिझोड़ के रख रहा है। अग्निपथ योजना जो है नौजवानों की, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आप सब लोगों ने देखा होगा वो छात्र विरोधी और युवा विरोधी रही है, और अब एक समय पर आके जो 4 साल की नौकरी कर दी है हमारे अग्निवीर को, 4 साल की अपने भारत माँ की सेवा नहीं करनी, उन्हें जिंदगी भर अपनी भारत माँ की सेवा करनी है। भगत सिंह कहा करते थे कि जो हमारी मिट्टी में शहीद हो वो असली है, तो हमारे जो जवान हैं उन्हें वो करना है। आज NSUI ने इसका विरोध किया और टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन किया। अलीगढ़ NSUI द्वारा, प्रदेश भर की NSUI द्वारा, राष्ट्र भर की NSUI द्वारा ये मांग करती है कि जल्द से जल्द अग्निपथ का जो योजना लाई गई है उसे। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। SOG टीम ग्रामीण और थाना निबाड़ी पुलिस ने डकैती के आरोप में 20,000 के इनामी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं इन बदमाशों के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल किए गए मोबाइल, हथियार और बाइक बरामद की गई है। थाना निबाड़ी पुलिस व SOG ग्रामीण की टीम के साथ बाइक सवार दो बदमाशों के साथ पटना चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है।
जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरे को मौके से गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से डकैती में लूटे हुए दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनकी पहचान थाना निवाड़ी से डकैती के मुकदमे में वांछित और 20,000 के इनामी जो है हाशिम के रूप में। सुल्तानपुर में फार्मेसी कॉलेज के द्वारा फीस लेने के बाद भी परीक्षा न करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वही छात्रों के समर्थन में आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट का गेट बनकर आवागमन ठप कर दिया। इस घटना की जानकारी होते ही एसडीएम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आनन फानन में एसडीएम और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। विद्यालय है कादीपुर में, जहां डिफार्मा पड़ेला में, कादीपुर के पड़ेला में जहां डिफार्मा के छात्रों का एडमिशन किया गया, 45,000 सरकारी शुल्क होने के बावजूद भी उन्होंने 90,000 फीस ली। उन्होंने कोई मान्यता नहीं ली थी, न जाने किस हनक में उन्होंने बच्चों का करियर को खिलवाड़ करते हुए 66 बच्चों का उन्होंने एडमिशन किया और उन्होंने आश्वासन देते रहे कि आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड ना आने पे बौखलाए छात्र उनके घर तक गए। उन्होंने एक तारीख का कहा कि जहाँ सेंटर है वहाँ जाइएगा, वहाँ एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ भी एडमिट कार्ड नहीं आया और अंततः वो एक साल छात्रों का बर्बाद हो गया और वो छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में ये लोग धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कादीपुर में एक विद्यालय है, रामसरित मिश्र महाविद्यालय है, फार्मेसी का कॉलेज है। इनका कहना है कि उन लोगों ने फीस ज़्यादा लिया, 45,000-80,000 रुपए लिया और उसके अलावा फीस भी नहीं ले रहे, मतलब एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। उनका इन लोगों का कहना है कि उसको मान्यता भी नहीं प्राप्त है, उन्होंने गलत तरीके से एडमिशन ले लिया है। तो इस पूरे प्रकरण में इन्होंने ज्ञापन, 4 सूत्री ज्ञापन दिया हुआ है। इन चारों बिंदुओं पर हम जाँच करवाएँ। गाजियाबाद में एक व्यापारी को स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक लेटर व्यापारी के घर के पते पर भेजा गया। वहीं ये मामला फेसबुक पर एक पोस्ट कानपुर में हुई हिंसा को लेकर जुड़ा हुआ था। फिलहाल इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। कल थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में देवेंद्र ढाका नामक व्यक्ति को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसमें उनको धमकी दी गई है। उस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। देवेंद्र ढाका एवं उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। इस मामले में हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और लगातार हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि लेटर कहां से आया और किस जगह से पोस्ट किया गया था। इसके आधार पर कई लोगों से इसमें पूछताछ की गई है और इसमें अभी कार्रवाई इसमें जारी है। बहुत ही जल्दी हम जो भी इसके पीछे है, जिसने भी ये कृत्य किया है, उसको हम पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और उसके विरुद्ध हम। गोरखपुर में दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान दरोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान एक दोस्त ने सीधे सीने में गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने रात में ही उसको लखनऊ रेफर कर दिया, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र में बीती रात को इस युवक की हत्या हुई, क्या मामला है पूरा? कल रात्रि 11:45 एक सूचना आई कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। फर्दर पता करने पर पता चला कि रोहित सिंह नाम के 32 साल का व्यक्ति अपने 4 अन्य मित्रों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी करने में पता चला कि उनमें किसी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर एक गोली उसके सीने पर लगी, तो बाद में BRDM पर रेफर किया गया। लखनऊ रेफर करने बीच रास्ते में जाते समय उसकी डेथ हो गई है एवं एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसे हिरासत में पूछताछ की जा रही है एवं बाकी अन्य नामजद अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की जा रही है एवं उनको शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। कितने लोग नामजद किए गए इसमें? इसमें 4 लोग नामजद हैं, उनमें से एक व्यक्ति गिरफ्त में है एवं 3 लोग उनकी पूछताछ के आधार पर पता किया जा रहा है कि व्यक्ति कहाँ है। रायबरेली में मंदिर का दर्शन करने के लिए घर से निकले एक बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही लोगों ने इस बात की जानकारी मृतक के परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे गुरु जी हैं दीनानाथ, ये 4:30 बजे लगभग आए थे दर्शन के लिए तो फिसल करके गिर गए तालाब में। तो सब लोग ढूंढ रहे थे काफ़ी चारों तरफ, लेकिन वही 3:30 बजे के लगभग मिट्टी दिखाई दी, पता चला कि दीनानाथ चार्ज है। वो तो घर बुलाया, तो
चलवा करके देखा तो दीनानाथ बचा दिया। ये सुबह से ही कहीं कोई सुबह से कोई नहीं है, ऐसे नॉर्मली ढूंढा गया गांव गांव में, मतलब पूछा गया कहाँ है, चार पाँच घंटे से गए थे तो पूछा गया चारों तरफ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वही 3:30 बजे के लगभग पता चला कि तालाब में मिट्टी दिखाई दी, पता लगा दीनानाथ चार्ज है। अपना परिचय बता। सुल्तानपुर में 3 दिवसीय प्रथम राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी टीटीए के सचिव अरुण बनर्जी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी भेंट की। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने खेल में हिस्सा लिया, और पुरुष वर्ग सिंगल में गाजियाबाद के दिवंगत श्रीवास्तव और महिला वर्ग में सिंगल में मुरादाबाद की सुहाना विजेता बनकर ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। आप अपना नाम बताइएगा। मैं अरुण कुमार बनर्जी हूँ, यूपी टेबल टेनिस का सचिव हूँ। ये किस दिन का कार्यक्रम रहा, कब से शुरुआत था, कब से क्या इसका समापन था? ये 3 दिन का टूर्नामेंट था, ये फर्स्ट स्टेट रैंकिंग थी यूपी की। यूपी में 3 रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, ये पहला रैंकिंग टूर्नामेंट था जो सुल्तानपुर में लास्ट ईयर भी हुआ था। चूँकि यहाँ व्यवस्था अच्छी है तो इस बार भी हम लोगों ने इसको रिपीट किया, और ये 3 तारीख को शुरू हुआ था और आज इसकी क्लोजिंग फंक्शन है। और ये डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव मेमोरियल का ये टूर्नामेंट है। इसके बाद 2 रैंकिंग और होगी यूपी टीटीए की, स्टेट चैम्पियनशिप होगी, अभी वाराणसी में एक जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप होगी। इन सबके पॉइंट्स को जोड़ के जो पॉइंट्स बनते हैं खिलाड़ियों के, उसी हिसाब से जो है यूपी की टीम। मेरा नाम सुहानी महाजन है, मैं गाजियाबाद से खेलती हूँ। मैं सुल्तानपुर, यहाँ पे एक स्टेट टूर्नामेंट था 3 से 5 जुलाई तक, मैं उसके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है मैंने यहाँ पे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।